तो शुरू कर लेता आज की वीडियो स्मैकडाउन की व्यूवरशिप से। स्मैकडाउन की व्यूवरशिप हमेशा से 2 मिलियन के आसपास रहती है, लेकिन इस बार स्मैकडाउन की व्यूवरशिप आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउन में देखने को मिली है, और ये कितनी है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इस बार की जो व्यूवरशिप है 1.971 मिलियन की व्यूवरशिप आई है, जो कि मैं आप लोगों को बताऊँ तो काफ़ी ज़्यादा कम है स्मैकडाउन के हिसाब से। यू नो, रॉ में अगर ऐसी व्यूवरशिप आ जाए तो एक अच्छी व्यूवरशिप मानी जाती है, लेकिन स्मैकडाउन के कंपैरिजन में स्मैकडाउन का जो शो होता है उसमें 2 मिलियन आप लोग को एवरेज आप लोग की व्यूवरशिप देखने को मिलती है, क्योंकि इस बार का स्मैकडाउन काफ़ी अच्छा भी था, जॉन सिना भी थे, लेकिन उसके बावजूद आप लोग को 1.971 मिलियन की व्यूवरशिप देखने को मिली, जो कि आई थिंक WWE को थोड़ा सा तो डिसअपॉइंट कर ही सकता है। चलो व्यूवरशिप के बारे में हम लोग बात कर लिए, और अब हम लोग बात करते हैं द रिंग जनरल गुंथर के बारे में। और अभी इनको लेके काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है WWE में, क्योंकि इन्होंने ब्रेक कर दिया है आप लोगों का IC चैंपियन का रिकॉर्ड, और ये बन चुके हैं आप लोग के लॉन्गेस्ट IC चैंपियन। तो इसी बड़ी अचीवमेंट्स के लिए द रिंग जनरल गुंथर को आप लोग के WWE ने प्लान किया कि इस हफ्ते के मंडे नाइट रॉ में एक सेरेमनी रखी जाएगी, जो कि गुंथर को सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ पे हम सबको पता है सेरेमनी तो एक बहाना है, यहाँ पे आप लोग को कोई ना कोई आप लोग को नया चैलेंजर देखने को मिलेगा, जो कि गुंथर को चैलेंज करेगा फॉर IC चैंपियन। लेकिन रिसेंट टाइम में उन्होंने चैड गेबल के साथ काफी अच्छा मैच दिया था, जो कि आप लोगों ने देखा था स्मैकडाउन में, बहुत ही अच्छा मैच था वो, सब लोगों ने उसको बहुत ज्यादा हाई रेट किया कि गुंथर के साथ चैड गेबल का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। तो गाइस ये मैच इसलिए भी अच्छा था क्योंकि चैड गेबल को हराने के बाद गुंथर बनने वाले थे आप लोग के लॉन्गेस्ट IC चैंपियन। बाय द वे, अब हॉन्की टोंकी मैन जो कि लॉन्गेस्ट IC चैंपियन था अभी गुंथर से पहले, अब वो गाइस सेकंड नंबर पे आ चुका है। WWE के फ्यूचर रेसलर के लिए एक चैलेंजिंग होगा कि गुंथर जितना लंबा अपना टाइटल रेन बनाएंगे उसको तोड़ना भी उतना मुश्किल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, और ये बहुत अच्छा साउंड करेगा आप लोगों का, क्योंकि पॉल हेमन बनने वाले आप लोग के LA नाइट गाय, और ये आप लोग की फैंस की थ्योरी, और ये थ्योरी मैं आप लोगों को बताता हूं। तो सबसे पहले जैसे कि आप लोगों ने स्मैकडाउन का शो देखा, वहां पे एक इंटरव्यू होता है जहां पे पॉल हेमन बात कर रहे होते हैं, और वहां पे बीच में आप लोग के LA नाइट आ जाते हैं, और वहां पे रैंडमली पॉल हेमन बोलते हैं LA नाइट तू मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तेरा बोलने का तरीका मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और पॉल हेमन जैसा माइक वर्कर अगर सामने वाले रेसलर की तारीफ कर रहा तो ये बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और वैसे भी रूमर्स निकल के आ रहे कि रोमन रेंस आने वाले टाइम में जब WWE को लीव करेंगे तब पॉल हेमन अपना नया गाय देखेंगे, और वो मे भी आप लोग का LA नाइट हो सकता है, ये फैंस ने थ्योरी निकाली है। और गाइस साथ ही साथ ये एक दूसरे को हैंडशेक भी ऑफर करते हैं, जिसके बाद ये हैंडशेक करते हैं और यहाँ पे ये प्रोमो खत्म हो जाता है। और यू नो फैंस ने ये भी स्पेकुलेशन लगाई कि पॉल हेमन जिसके साथ हैंडशेक करते हैं उसके साथ उनका आगे चल के बिजनेस रहता है। तो गाइस ये थी फैंस की थ्योरी, जो कि LA नाइट एंड आप लोग के पॉल हेमन से रिलेटेड थी, कि पॉल हेमन आप लोग के LA नाइट के गाय बन जाएंगे। तो गाइस आप लोग बताना क्या आप लोग आगे चल के फ्यूचर में LA नाइट के साथ आप लोग पॉल हेमन देखना चाहते हो। मैं आप लोग को अपना ओपिनियन बताऊं तो मैं यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के साथ वन लास्ट टाइम एक बार ब्रॉक लेसनर के साथ देखना चाहता हूँ। बाय द वे, कमेंट सेक्शन खाली आप लोग बता सकते हो अपना ओपिनियन कि आप लोग ब्रॉक के साथ देखना चाहते हो या फिर LA नाइट के साथ। वैसे पॉल हेमन के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा तो इसलिए मैंने आप लोग को यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का नाम बताया। बाय द वे, आप लोग इंस्टा एंड ट्विटर पर मुझे फॉलो कर लो, और गाइस मैं आप लोग को मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।